मच अवेटेड मूवी थी. इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल रेटिंग आई गेस इट्स 3 out of 5. पिक्चर इज अ लिटिल लेंदी बट आई थिंक ओवरऑल इट्स एन एंटरटेनिंग पिक्चर एंड लॉट ऑफ पीपल गोना वॉच इट. द बजट ऑफ द मूवी इज 300 CR. सो आई एम श्योर इट विल बी एबल टू कवर इट लाइक प्रॉब्ली लाइक मैक्सिमम बाई 10 to 15 days. I think the both of the actors are like super actors, so like obviously you cannot compare both of them. Script was good. I mean the story was different. Few things were a little funny, but yeah, overall it was good. Average. No, nothing like that. I think probably for the first time such a script has been directed in Bollywood, so I think people are going to enjoy it. The director of this movie, Vijay, he has also directed Dhoom 3. So that was a very funny, but in this he has been able to do a lot of justice to the direction, so it was good. Out of 5 star, 3 out of 5. So khas laga aapko history dikhai gayi hai jo ki normal audience ko unknown hai iske bare mein, to history ke bare mein acha laga mujhe kafi sab jaan ke. Okay, Aamir Khan aur Amitabh Bachchan kaun zyada acha performer sir? Dono ki apni apni standing hai, to main dono ko compare nahi kar sakta. Music kya kehna chahiye? ठीक है, सही है, फाइन. कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख. अच्छा एक्टिंग किया, अच्छा रोल. कैटरीना या फातिमा? फातिमा इज न्यू एक्ट्रेस, सो आई विल प्रेफर हर. ओके, कितने स्टार देना चाहेंगे पांच में? 4.5. थैंक यू. अच्छी लगी फिल्म? बहुत अच्छी. क्या खास लगा आपको? आमिर खान ज्यादा अच्छे लगे. ओके, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख, दोनों में से कौन अच्छा लगा? दोनों अच्छी है. कितने स्टार देना चाहेंगे पांच में? 4. मिनट है दिवाली का और बहुत मजा आ रहा है. आमिर खान और अमिताभ बच्चन कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्मर है? दोनों ही बहुत बेहतरीन है. आमिर खान अपने जगह पे बहुत अच्छा चटपटा रोल किया हुआ है और अमिताभ का तो स्क्रीन प्रेजेंस ही बहुत बढ़िया है. क्या आप मानते हैं ये कॉपी है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन? मुझे नहीं लग रहा है कॉपी है, इंडियनाइज वर्जन बनाया है, काफी बढ़िया पिक्चर बनाई हुई. म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर है वो बहुत बढ़िया दिया हुआ है, वेरी नाइस बैकग्राउंड स्कोर. फातिमा का सपोर्टिंग का अच्छा है, कैटरीना से सॉन्ग के लिए है तो ओके है. सिर्फ 5 में से 4 स्टार देंगे. बहुत एवरेज है और ठीक ठाक मूवी है, एक बार देख सकते हो, इतनी कोई खास नहीं है. कुछ नया बनाने की कोशिश की है लेकिन वो टिपिकल बॉलीवुड स्टैंडर्ड्स से कंप्लाई करना, 100 करोड़ की मूवी, 200 करोड़ की मूवी जैसे बनाने की कोशिश करना, उस चक्कर में बहुत इतनी कुछ खास नहीं बनी लेकिन ठीक है. आई वॉन्ट से इट्स अ कॉपी ऑफ पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, ठीक है वो थोड़ा थीम एंड ऑल उस तरीके से है. आमिर खान का आप कैरेक्टर थोड़ा बोल सकते हो उस लिहाज में वैसे लिखा गया है लेकिन वो कॉपी नहीं है. लेकिन कहानी इतनी भी कोई ऐसी नई नहीं है, कहानी ऐसी जो आप देख चुके हो, सुने हो, देख चुके हो, कुछ नयापन नहीं है. एनी डे फातिमा, लेकिन क्योंकि कैटरीना का कुछ रोल ही नहीं है, वो सिर्फ दो गानों के लिए आती है, उस कुछ रोल नहीं है. फातिमा का जो हमने दंगल में देखा था उतना जस्टिस नहीं किया इस मूवी में, उनका भी ज़्यादा कुछ रोल नहीं है लेकिन ठीक है. कम से कम मैं 2 स्टार दूंगा. थैंक यू. कैसी लगी फिल्म आपको, क्या कहना? फिल्म काफ़ी अच्छी है, नॉट बैड. फैमिली के साथ तो डेफिनेटली देखनी चाहिए, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर. VFX काफ़ी अच्छी थी बाई इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड अमिताभ एंड आमिर आर द बेस्ट इन द मूवी एंड इवन फातिमा सना शेख हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब. कटरीना लुक्स गुड, दैट्स इट. एंड द सेट पीसेस, द VFX, द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ द मूवी वॉज प्रीटी गुड, नॉट बैड. एंड या आई थिंक एवरी वन शुड गो एंड वॉच इट. या देर आर मेनी थीमेटिकल सिमिलैरिटीज टू पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन. आमिर खान इज ऑलमोस्ट लाइक जैक स्पैरो इन द मूवी, सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, इवन इफ इट्स अ कॉपी, इट्स प्रीटी गुड एक्चुअली, यू शुड वॉच इट विद द फैमिली. सो आई थिंक, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट कमिंग आउट एट द एंड, अगर कॉपी भी हो अच्छी होनी चाहिए. And I think they have managed to do it with Thugs of India. Bachchan or Mr. Amit? That's a tough question. Since my favorite is Amitabh Bachchan, I would obviously say Amitabh Bachchan, but both are equally good. Okay, how many stars are you going to give out of 5? 3 or 3.5 at first. Thank you. अमिताभ बच्चन इनके लिए है. अच्छा. सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और कैसी लगी आपको? देखिए, दिवाली में पिक्चर रिलीज हुई है, बहुत देर से इंतजार भी कर रहे थे और पिक्चर आज देखे, इतनी जल्दी 8 बजे आए और पिक्चर देखे, पिक्चर अच्छी लगी
और मन भी बहुत खुश हुआ। आमिर खान ज्यादा अच्छे रहे हैं या बच्चन साहब? बच्चन साहब के सामने कोई भी अच्छा नहीं हो सकता है। आमिर खान नो डाउट बहुत अच्छा रोल किया है, लेकिन बच्चन साहब के सामने तो उनको फीका ही लगेंगे। क्या पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की याद दिलाती है फिर? नहीं, मामूली मामूली, इतना कुछ नहीं। ऐसे तो क्रांति देखिए, खुदा गवाह देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीन उसमें मिलते हैं। कैटरीना कैफ और फातिमा साना शेख, कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस? दोनों का रोल देखिए, कैटरीना कैफ ने दो गाने गाए हैं और दोनों का रोल अच्छा है और ये नहीं है। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी। काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि दिवाली पे मूवी रिलीज होगी, एंड आई थिंक इट्स स्पेक्टेकुलर, यू नो, इतने लार्ज सेट्स और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस और इतना अच्छा डायरेक्शन, और सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आमिर खान हमें हमेशा एक नए रोल में आते हैं और एक बार फिर उन्होंने एक नया रोल ट्राई किया। ही इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर, और अमिताभ बच्चन, ही इज़ फैबुलस इज ऑलवेज। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छे एक्शन सीन्स हैं, VFX इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो बहुत इंजॉय करेंगे ऑडियंस। जी जी, विजय कृष्ण आचार्य का डायरेक्शन है और काफ़ी अच्छा है। मुझे ऐसे लगा कि मैंने कोई क्लासिक बॉलीवुड मूवी देखी है, सॉरी हॉलीवुड मूवी देखी है। जिस तरह मज़ा एक हॉलीवुड मूवी देख के आता है, वैसे ही मज़ा आया। स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। बहुत ही विट्टी डायलॉग्स हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है। सो लाइक आई सेड, ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। अजय अतुल का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, जो धड़क मूवी के लिए जाने जाते हैं, और गाने सब बहुत अच्छे हैं। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड मूवी, मज़ा आएगा ऑडियंस इसको। आमिर की बहुत ही डिफरेंट लुक थी, यू नो, और उनको देख के हमेशा ही हर सीन में, हर फ्रेम में, जिसमें भी वो आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, यू नो, उनको देख के, कि वो इतनी अच्छी, इतनी नेचुरल एक्टिंग करते हैं कि लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। और उनका इस बार भी बहुत ही अलग सा रोल था जो हमने बहुत इन्जॉय किया। और अमिताभ बच्चन के बारे में तो क्या कहें, वो तो है ही एक बहुत ही बेमिसाल एक्टर, तो वो भी हर फ्रेम में, जहाँ भी आमिर और अमिताभ आए, यू कैन नॉट टेक योर आइज ऑफ देम, दे आर सो नाइस बोथ ऑफ देम। 3.5। थैंक यू।